हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं रेसिपी शुरू करने के पहले आप लोग से पूछना चाहती हूँ, और आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं ब्लॉगिंग शुरू करूँ, क्योंकि आज मैंने थोड़ी सी ब्लॉगिंग की है और साथ ही साथ रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर की है। तो आज मैंने कढ़ी पकौड़े की रेसिपी शेयर की है आप लोग के साथ में, वो भी चना दाल से मैंने बनाया, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो चना दाल मैंने 3-4 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था, तो अच्छी तरह से भीग गया था। तो फिर उसको मैंने डाला है यहाँ पे मिक्सर जार में। मैं फिर डाला है मैंने 2 सूखी मिर्च, थोड़ी सी लहसुन, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और सबको साथ में मैं एक साथ ही पीस लूँगी। तो मैंने इसमें मसाले भी एक साथ ही ऐड कर दिया है। आप चाहे तो सिर्फ दाल पीसने के बाद ऊपर से भी मसाले ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने पीस लिया है, और एक गाढ़ा सा पेस्ट इसका तैयार करेंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो 1-2 चम्मच ही डालेंगे, लेकिन इसको पतला नहीं करेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा ही रहेगा। मतलब इस तरह से, क्योंकि इसके पकौड़े बनाने हैं ना, तो पतला हो जाएगा तो फिर अच्छा बनेगा नहीं। फिर मैंने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है, और इसमें अब मैं डाल रही हूँ प्याज। तो मसाले अभी मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि मसाले तो मैंने डाल दिए हैं। तो अभी सिर्फ प्याज डाला है मैंने, और स्वाद अनुसार नमक, और इनको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो इसकी जगह पे धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, लेकिन कसूरी मेथी का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो सबको मिक्स कर लिया, और फिर मैंने वही जार लिया है जिसमें दाल पीसा था, और इसमें डालूँगी मैं दही। तो ये ताज़ी दही है, मैंने रात में ही जमाया था। और फिर डाल ली हूँ यहाँ पे 3-4 चम्मच बेसन, और इसको मैं इसमें चला लूँगी। इस तरह से क्या होता है ना, दही और बेसन अच्छी तरह से फिट जाता है। अगर हाथ से करिएगा तो गुठलियाँ रह ही जाती हैं। तो आप मिक्सर में चला लीजिए, या फिर मैनुअल चॉपर होता है, मैं उसमें भी कभी कभी करती हूँ। और फिर कढ़ाई चढ़ाया है, इसमें डाला है मैंने सूखी मिर्च, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ा सा डाला है सौंफ, और थोड़ा सा मेथी दाना। तो आप इसकी जगह पे 5 फ़ोरन सीधे सीधे डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर जब फ़ोरन चटक गया, तो उसके बाद प्याज, और फिर मैंने आलू एक डाला है इसमें। मैं आलू डालती हूँ कढ़ी में, क्योंकि मेरे घर में मेरे बेटे को जो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, और मुझे भी अच्छा ही लगता है। तो आलू भी डाल दिया है मैंने काट के। और फिर यहाँ पे लहसुन को मैं कूट के डाल रही हूँ, थोड़ा मोटा मोटा ही मैंने कूटा है लहसुन को। और फिर इनको अच्छी तरह से भूनूंगी पहले थोड़ी देर। तो आलू ऑप्शनल है, लेकिन आप लोग से मैं बोलूँगी कि आप लोग ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और दही में जो आलू जाता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे सभी भून जाने के बाद से बेसन का जो पानी था, वो मैंने यहाँ पे दही और बेसन का घोल डाल दिया। और इसमें कुछ सूखे मसाले डालूँगी, तो जैसे हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक। तो इसमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है। तो कढ़ी तो मैंने बहुत तरह से आप लोग के साथ शेयर की है, तो आप लोग मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। ये आज कुछ अलग तरीके से मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, तो मैं अलग अलग तरीके से बनाती रहती हूँ। तो ये चना दाल का जो है ना, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आता है, तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। तो उधर कढ़ी उबलने को रख दिया है, तब तक इधर मैं पकौड़े भी तल लूँगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले कढ़ी को उबलने के लिए रख देती हूँ, और बीच बीच में उसको चलाते भी रहेंगे। तो समझिए कि दोनों हाथ से मैं काम करती हूँ, इधर पकौड़े भी तलती हूँ और उधर उसको चलाती भी रहती हूँ। बीच बीच में दही फट जाता है ना, तो देखिए मैं इधर इसको भी चलाती जा रही हूँ साथ साथ में। तो इस तरह से जल्दी हो जाता है ना एक साथ करने से। तो पकौड़े भी यहाँ पे मेरे तल रहे हैं। आज मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बारिश होने वाली है, बहुत बादल भी गरज रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और एक लाइक कीजिएगा। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि मैंने ब्लॉगिंग तो पहले मैं करती थी, बीच में छोड़ दिया था, तो अभी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे।
थोड़ा मुश्किल होता है ब्लॉगिंग करना, अकेले हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी तो बेटी भी नहीं है, और बेटा है तो ज़्यादा टाइम उसका स्कूल में ही बीतता है, घर आता है तो पढ़ाई लिखाई से ही फुर्सत नहीं होती है। तो देखिए यहाँ मेरी कढ़ी उबल गई है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी सारे पकौड़े एक साथ, और इसको सीम आँच पे 15 मिनट और पकाऊंगी। तो कढ़ी को जितना उबालिएगा ना उतना अच्छा लगता है। तो कढ़ी तैयार हो गई है, और मेन क्या होता है ना, कढ़ी का जो तड़का होता है ना मेन, तो वही टेस्ट लाता है। तो यहाँ पे मैंने कलछी चढ़ाया है और उसमें डाला है मैंने 3 चम्मच घी। तो घी में या फिर रिफाइंड में भी आप तड़का दे सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर डाला है मैंने थोड़ा सा राई और थोड़ा सा जीरा, और गैस बंद करने के बाद कसूरी मेथी डाली है मैंने, और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च पाउडर। तो ये तड़का बहुत ही मतलब स्वादिष्ट बना देता है कढ़ी को। तो यही थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा। फिर आऊँगी अगली रेसिपी लेके, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, और प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि ब्लॉगिंग करूँ या नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।